गाइज वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली गाइज एक बड़े वीकेंड का इंतजार करते करते फाइनली आ चुका है वो बड़ा वीकेंड। कल है दशहरा, तो फ्राइडे को कल छुट्टी है, आज है 14th of October, और कल फ्राइडे सैटरडे संडे ऐसे करके तीन कंटिन्यूस छुट्टी हमें मिली। तो हम लोग ने एक मंडे को छुट्टी डाल के हम लोग ने एक बड़ा वीकेंड प्लान किया है, और हम लोग निकल चुके हैं गोवा के लिए, नॉर्थ गोवा साइड। बेसिकली साउथ गोवा के मैंने पूरे लोकेशंस एक्सप्लोर कर लिए। अगर आपने इसके साउथ गोवा के वीडियो देखे नहीं रहेंगे तो मैं ऊपर एक स्क्रीन पे उसकी लिंक डाल दूंगा उस प्लेलिस्ट की, तो वो लोकेशंस भी आप पूरे एक्सप्लोर कर सकते हो और देख सकते हो वर्चुअली। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, मैं और मेरा दोस्त जो मेरा ऑफिस का एक दोस्त है स्वप्निल, उसके साथ मैंने प्लान किया है नॉर्थ गोवा के 4 दिन की ट्रिप। तो अभी हम अभी बज चुके हैं आफ्टरनून के 3:30, और मैं पुणे से निकलने वाला हूँ। 5:10 की मेरी ट्रेन है डायरेक्ट गोवा की, मडगांव रेलवे स्टेशन के लिए। तो क्या सीन है, अभी मैंने पूरी मेरी पैकिंग कर ली है, मेरी बैग पैक हो चुकी है, और मुझे लगता है मुझे यहाँ से शायद 1 घंटा लग जाएगा पुणे रेलवे स्टेशन पहुँचने के लिए। फिर वहाँ से 5:10 की ट्रेन है, और हम लोग सुबह सुबह 6 बजे मडगांव रेलवे स्टेशन पहुँच रहेंगे। तो वहाँ से क्या सीन है वो मैं धीरे धीरे आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। फिर अभी 15th of October के टाइम पे क्या सीन है, RT-PCR, क्या आपको डबल डोज लगेगा कंपलसरी, वो सारी डिटेल्स मैं वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कीजिए। ऐसे इनक्रेडिबल और इंडिया के ऑफबीट लोकेशंस में आपके साथ हर वीक आपके साथ काफ़ी सारे वीडियो शेयर करता हूँ, तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए गाइस, अभी टाइम हो चुका है, मुझे निकलना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें करनी है, ATM से पैसे भी निकालने, तो वो करते करते हम लोग हमारे रेलवे स्टेशन पहुँचेंगे और फिर हमारी जर्नी स्टार्ट करेंगे। चलिए, इस ट्रिप से पहले मैं गोवा 10 बार आ चुका हूँ, फ्रेंड्स फैमिली स्कूल फ्रेंड्स लिस्ट काफ़ी बड़ी, और ये 11 ट्रिप की शुरुआत मैंने की पुणे रेलवे स्टेशन से। फिर 14 घंटे की स्लीपर क्लास की ट्रेन जर्नी ख़त्म करके सुबह 7 बजे हम लोग पहुँचे मडगांव रेलवे स्टेशन। कितनी सिंपल और कंफर्टेबल जर्नी थी ये, राइट? वेट, अभी कुछ ही समय में कैसे प्लान कंफर्टेबल सिंपल जर्नी की धज्जियाँ उड़ने वाली है ये आप देखोगे। शायद कभी कभी ढेर सारी प्लानिंग करके भी प्लान्स की वाट कैसे लगती है ये आप देखोगे। सो ऑफिशियली ये मेरा गोवा का अब तक का सबसे खराब दिन था, मगर कैसे शाम होते होते ये खराब दिन एक अच्छे दिन में कन्वर्ट हुआ ये आप इस वीडियो में आगे देखोगे। फाइनली हम हमारे वैगडार बीच के होटल पे हम चेक इन कर चुके हैं, और जस्ट मैंने अभी फ्रेश होके ब्रेकफास्ट करके हम लोग वापस रूम पे आ चुके हैं। मडगांव रेलवे स्टेशन जैसे हम लोग एक्चुअली बाहर निकले, नॉर्मली मडगांव रेलवे स्टेशन पे आपको ढेरों सारे लोग मिल जाएंगे जो आपको स्कूटी रेंट पे आपको देने के लिए रेडी रहेंगे, मगर आज ये बहुत बड़ा वीकेंड था, लॉन्ग वीकेंड था, इसके वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे गोवा में, तो उसके वजह से कोई भी स्कूटी वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं थी, और कुछ लोग थे अवेलेबल तो उनका रेट काफ़ी ज़्यादा हाई था, 800 रुपीज़ 900 रुपीज़ ऐसे करके रेट बता रहे थे। तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने वहाँ से रिक्शा ली और वहाँ से हम लोग पहुँचे मडगांव बस स्टैंड पे। उसका कुछ तो किराया 150 रुपीज़ हमें रिक्शा देना पड़ा। उसके बाद वहाँ से हम लोग ने 50 रुपीज़ की टिकट लेके AC बस से हम लोग पंजिम बस स्टैंड पे पहुँचे, और फिर वहाँ से उसके साइड में ही हमें एक स्कूटी रेंटल मिला, और वहाँ से हमें 600 रुपीज़ में ये स्कूटी रेंट पे मिली। हम लोग ने 3 दिन के लिए ली, तो ऐसे कुछ तो 1800 रुपीज़ में हम लोग को 3 दिन के लिए पड़ी, और 500 रुपीज़ मुझे उसके लिए
डिपॉजिट देना पड़ा, तो टोटल मैंने 2,300 कुछ के आसपास उनके पे किए, मुझे 500 वापस मिल जाएंगे। और मैंने कुछ मेरे आईडी कार्ड भी उनके साथ सबमिट किए, ओरिजिनल आईडी कार्ड्स। तो गाइस ये सीन था। उसके बाद हम लोग स्कूटी लेके वापस हमारे होटल की तरफ आ रहे थे। उस रोड ट्रिप इतनी अच्छी थी, बीच बीच में आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे राइस फील्ड्स थे, अभी वो पूरे ख़त्म, मतलब सीज़न ख़त्म होने को आया, तो इसकी वजह से ऑरेंज कलर हो चुका है पूरा राइस फील्ड्स का। तो ऐसे इनक्रेडिबल सीन्स आप अक्टूबर में गोवा में देख सकते हो। और हम लोग एक स्पॉट पे रुके थे जो अपने डियर जिंदगी मूवी में आप आलिया भट्ट जो साइकिल चलाते हैं बीच में से, ये जो सीन दिख रहा है आपको जहाँ पे रोड के दोनों साइड में कोकोनट ट्रीज है और काफ़ी सारा इनक्रेडिबल, मतलब आप यहाँ पे अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हो, ऐसा स्पॉट है। आप पंजिम से अगर वैगाटोर बीच का मैप पे डालोगे तो आप ये रोड से पास करोगे। तो काफ़ी अच्छा पॉइंट था। मगर हम लोग उसके बाद जैसे गाइस हम लोग हमारे होटल पे पहुँचे तो वहाँ पे वापस एक सीन हुआ कि उन लोग ने अलाउ नहीं किया हमें, क्योंकि हम लोग ने कुछ तो एडवांस पेमेंट नहीं किया था, जो उन्होंने booking.com के चार्ट में हमें पूछा था क्वेश्चन कि 25% पेमेंट कीजिए, जो पूरी तरह से गलत था क्योंकि मैंने पे एट होटल वाला ऑप्शन चूज़ किया था और उसमें अवेलेबल था। तो हम लोग वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बोला आपको कॉल करके आना चाहिए, तो ये गलती आप मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये होटल्स जब भी पीक सीज़न रहता है तो वो हमारी बुकिंग कैंसिल कर देते और कोई और ज़्यादा पैसे दे रहा रहेगा तो उसको वो रूम दे देते, तो ये गलती आप मत कीजिए, पहले कॉल करके ही आपके होटल की तरफ आइए। फिर हम लोग ने क्या किया, स्कूटी लेके ऐसे ही थोड़ा सा आगे आए और वहाँ पे ऐसे एक होमस्टे जैसे था, तो अभी आप देख सकते हो जो रूम हमने लिया है वो कुछ 700 रुपीज़ पर डे के हिसाब से 3 दिन के लिए लिया है। तो ऐसे ये सीन हुआ, अभी फाइनली हम लोग ने रूम चेक इन करके हम लोग सब पूरा फ्रेश होके अभी रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। अभी काफ़ी धूप है तेज़, 10:30 बज चुके हैं, हम लोग शायद 2 बजे घर से निकलेंगे और हमारे होटल से 2 बजे निकल के हम लोग डायरेक्ट जाने वाले आरंबोल बीच और उस टाइप पे एकदम नॉर्थ वाला पार्ट एक्सप्लोर करने वाले। तो ऐसे इनक्रेडिबल 3 शायद बीचेस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, काफ़ी अच्छे इनक्रेडिबल ड्रोन शॉट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो लाल बटन सब्सक्राइब का बटन वो भी प्रेस कीजिए, उसके बाजू में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।